आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, प्रश्न एक। दुकानदार अंकित मूल्य पर ₹10 बट्टा देने के बाद 26% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य ₹280 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है कितना है। तो बट्टा सदैव अंकित मूल्य पे ज्ञात किया जाता है, तो अंकित मूल्य यहाँ पर दिया है। अंकित मूल्य इसका है मूल्य ₹280 और प्रतिशत बट्टा जो दिया गया है वो है 10% और प्रतिशत लाभ है वो है 26% ये दिया गया है। तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे ज्ञात किया जाता है, तो हम यहाँ से बट्टा राशि ज्ञात कर लेंगे विक्रय मूल्य के लिए, क्योंकि बट्टा घट जाएगा तभी विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम बट्टा राशि पहले निकाल देते हैं। बट्टा राशि कितना बट्टा प्राप्त होगा, बट्टा राशि बराबर होगा यहाँ से अंकित मूल्य गुणा प्रतिशत बट्टा जो होता है, प्रतिशत बट्टा और बटा 100। तो अंकित मूल्य है ₹280 और बट्टा है 10% बटा 100, तो दो शून्य से दोनों शून्य कट जाएंगे, तो बट्टा प्राप्त हुआ है ₹28। तो विक्रय मूल्य 280 से 28 कम हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 280 माइनस 28, तो ये आ जाएगा यहाँ से ₹252। इतने में वो चीज़ बिकेगी, यानी विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पर लाभ दिया है तो 26% का लाभ होता है, तो हम ये मान लेते कि माना क्रय मूल्य ज्ञात करना है। माना क्रय मूल्य ₹100 है, तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कर लेते हैं, तो इसलिए लाभ हम ज्ञात करते हैं कितना होगा। तो लाभ होगा क्रय मूल्य गुणा प्रतिशत लाभ बटा 100। तो यहाँ से क्रय मूल्य हमने x माना है, तो x बराबर हो जाएगा x गुणा 26 बटा 100, तो ये हो गया 100। यहाँ से हो जाएगा ये 26 x बटा 100, ये हो गया लाभ। और विक्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य है ₹100 और इस पर लाभ है 26 x बटा 100, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 x प्लस 26 x बटा 100, तो ये हो जाएगा बराबर यहाँ से 126 x बटा 100। और जो विक्रय मूल्य दिया गया है, जो निकाला है, वो आया है ₹252। तो ये है यहाँ से 126 x बटा 100 बराबर हो गया ₹252। अब हम इनकी तिरछी गुणा करके इसको हल कर लेते हैं और x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ जब तिरछी गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 126 x बराबर 252 गुणा 100, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से x बराबर 252 गुणा 100 बटा 126। तो 3 से इनको भाग देते हैं, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 1 बच गया 3 चौके 12। अब हम इसको 21 काट देते हैं, 21 दूना 42, 21 चौके 84, 2 से फिर काट देंगे, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 100 बटा 2, और फिर जब भाग इसको दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूना 4, तो 2 गुणा 100
बराबर 200 रुपये। तो यहाँ से अतः क्रय मूल्य जो हुआ, अतः क्रय मूल्य में प्राप्त हुआ, क्रय मूल्य जो है वो आया है 200 रुपये। यही हमें ज्ञात करना था, क्रय मूल्य हमारा 200 रुपये प्राप्त हो गया इसमें। कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।